नेता अखिलेश यादव को जेपी यहाँ पर मुलापन में क्यों पहुँच पाए, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बाकी साथी बैठ जाइए, तीन साल जाना हमको पड़ेगा ही, कुर्सियों पे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। महापुरुषों का आदर और सम्मान होना चाहिए और किसी भी स्थान पे जयप्रकाश जी की जयंती पूरे देश में मनाई जानी चाहिए और इसे दल के ऊपर उठते हुए लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि देश में जब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, पूछिए भाई सवाल वाल पूछिए। आज विजयदशमी का पावन पर्व है, क्या कुछ देश और प्रदेशवासियों को संदेश देने का प्रयास करें? इटावा की धरती से मैं पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को आज ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। देश खुशहाली के रास्ते पे चले, समृद्धि के रास्ते पे चले और आपस में मानव में हमारा जो समाज है उसमें आपस में प्रेम भाईचारा कायम हो। इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह अखिलेश यादव की जयंती, अब वो क्या परिस्थितियाँ थी मुझे नहीं जानकारी इस विषय पे, लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए ना किसी को रोक होनी चाहिए और ना कोई स्थान का वो है, जहाँ चाहे वहीं मनाए महापुरुषों की जयंती। अखिलेश जी को निश्चित रूप से जयप्रकाश जी की जयंती सभी राजनीतिक दलों को मनानी चाहिए। देश में जब आपातकाल जो लागू हुआ उस आपातकाल के सबसे बड़े योद्धा के रूप में, जब देश में संकट का लोकतंत्र संकट में था, तो सबसे बड़े योद्धा के रूप में जयप्रकाश जी ने आजादी के बाद जो सबसे बड़ा देश में आंदोलन खड़ा हुआ वो जेपी मूवमेंट था। तो सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी थी, चाहे समाजवाद चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हो, चाहे वो जनसंघ के लोग रहे, सबका एक गठन था जनता पार्टी के, सभी लोग एक मंच पे आए थे। तो सभी लोगों को जयप्रकाश जी का आदर करना चाहिए, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज केंद्र और राज्य में प्रदेश में बीजेपी की सरकार अभी 27 बहुत दूर है, उसके पहले पंचायतों के चुनाव है, उसके पहले कई राज्यों के चुनाव है, अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम है, जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम है, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव है, 15-25 से बिहार के चुनाव है, अभी देश बहुत यहाँ तो हर वर्ष चुनाव दो दो तीन तीन राज्यों में होते ही रहे, तो ऐसे अभी प्रदेश का चुनाव पंचायतों के बाद आपको मिलेगा, उसके जान को सही चीजें मिल पाएंगी। और नेता जब विपक्ष में होते हैं तो हम जनता की समस्याओं को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर वो, आज जो एक बात बहुत इस प्रदेश में उठ रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना के आधार पर लोगों की भागीदारी हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जाति जनगणना हो जाए उस आधार पर जो हमारा ओबीसी कम्युनिटी है उसकी कितनी कितनी भागीदारी है सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश में, कम से कम इसके इसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगा वर्तमान समय में इस आंकड़े को जारी करें कि ओबीसी कम्युनिटी की कितनी संख्या है और उनकी कितनी भागीदारी है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, उसमें किस जातियों की कितनी भागीदारी है, ये भी जाति जनगणना के आधार पर लागू, कम से कम जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी भागीदारी हो ना, तो यहाँ तो बहुत ही अंतर है। उत्तर प्रदेश कुछ जातियों को तो 50% से अधिक नौकरियों में है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जातिवाद और जाति की राजनीति करने वाली इस तरह से ऐसा है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात, नेशनल पार्टी चाहे जो भी हो, हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है मैं उसको देखता हूँ, नेशनल पार्टी जो भी है वो जात की राजनीति नहीं कर पाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, जात की राजनीति तो क्षेत्रीय राजनीति क्षेत्रीय दल करते हैं, क्योंकि उनका आधार छोटा होगा। चुनाव होने जा रहा है कांग्रेस और सपा की तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसको लेकर लगातार विपक्ष का कांग्रेस सपा से आप सवाल पूछा तो उनका पूर्ण उनके विषय में जानकारी लोगों से सवाल पूछे, अरे आज विजयदशमी का पर्व है, सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाइए विजयदशमी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।